ठीक, नेक्स्ट चैप्टर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बुकलेट मैंने आपको दे दिया थ्योरी की, और इसके अंदर सरफेस टेंशन के अंदर है क्या सरफेस टेंशन, इसको समझते हैं। नाम से पता लग रहा है सरफेस, और टेंशन का मतलब सरफेस के ऊपर फोर्स, सरफेस के ऊपर फोर्स इज सरफेस टेंशन। अब सरफेस के ऊपर फोर्स, कौन सी सरफेस के ऊपर फोर्स? लिक्विड की सरफेस के ऊपर फोर्स। लिक्विड की सरफेस के ऊपर फोर्स क्यों एग्जिस्ट करेगी, ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा, मान लो ये आपके पास एक लिक्विड की सरफेस है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं इसके अंदर जो कि मान लो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो बाकी पानी के मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं, कुछ ऐसे सराउंडेड बाय अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, सारे के सारे इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो नेट फोर्स की वैल्यू इसके ऊपर क्या जाती है, जीरो। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी इसमें, जीरो। ठीक, इक्विलिब्रियम है, वाटर रेस्ट पे है, चलते हुए लिक्विड में कभी सरफेस टेंशन नहीं होती। अब लेट अस सपोज इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ऊपर कौन सी सरफेस है, एयर है, नीचे क्या है, वाटर है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को नीचे के वाटर के मॉलिक्यूल अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे, लेकिन ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है इसे, एयर का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, पर एयर का मॉलिक्यूल उतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना वाटर वाटर को कर पाएगा। तो इसका मतलब दो तरीके की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, एक वाटर वाटर की फोर्स, एक वाटर और एयर की फोर्स, जिसको आप सिंपल टर्म में इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूलर बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम इसे क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेजन एंड एडहेशन। कोहेजन का मतलब होता है फोर्स बिटवीन सिमिलरली सेम मॉलिक्यूल, जैसे वाटर वाटर के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ कोहेजन है। एडहेजन का मतलब होता है फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे पानी का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स ऑफ एडहेजन है। ठीक, अब इसके अंदर वाटर वाटर के साथ क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ कोहेजन, और वाटर का मॉलिक्यूल एयर के साथ क्या लगाएगा, एडहेजन। अब एयर का पार्टिकल वाटर के पार्टिकल को के मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा फोर्स से खींच नहीं पाता, लेकिन ये पानी के मॉलिक्यूल खींच पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो पानी के ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा कहां शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ, पास पास आ जाएंगे, नीचे मीन थोड़ा पास की तरफ आ जाएंगे। और जब वो पास पास आएंगे तो नीचे और भी पानी के मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, तो ऊपर की सरफेस थोड़ी सी टाइट हो जाएगी मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स क्योंकि पास पास आ जाएंगे, यानी कि ऊपर की सरफेस का जो एरिया है थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, या पास आने की कोशिश करेंगे ऊपर के मॉलिक्यूल्स, नीचे के नहीं, क्योंकि नीचे के ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो है। तो जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएंगे, थोड़े पास आ जाएंगे, और ऊपर की सरफेस विल एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, खिंची हुई सरफेस की तरह काम करेगी। इस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को, जब उसकी टॉप की सरफेस खिंची हुई सरफेस की तरह काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। एक बड़ा बेसिक एग्जांपल देता हूं, मॉस्किटो मच्छर, ये इसको तैरना नहीं आता या आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पानी के ऊपर जाके रेस्ट पे बैठ जाता है, खड़े हुए पानी में, चलते हुए पानी में डूब जाएगा, खड़े हुए पानी में बैठ जाएगा, और चलना चाहे तो धीरे धीरे चल भी सकता है, ठीक, डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टॉप के सरफेस हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें खींच लिया, तो सरफेस के मॉलिक्यूल टाइट हो गए, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो रेस्ट पे है, जैसे ही आपने हिलाया पानी मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, बीच में आ जाएगा और डूब जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अभी बोलते ना, मॉलिक्यूल तो हिल ही जाएगा वहां से, टॉप मोस्ट सरफेस से एयर कैसे खींचेगी, वो ऐसे हो नहीं पाएगा यार। इस तरीके से स्ट्रेच मेम्ब्रेन का मतलब तो होता है कि जो है सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो चुके हैं एक जगह पे, अब वो मूव ही करते जाएंगे, कोई रेंडम मोशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा। हमें तो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करना है, पास पास लेके आना है, तो आप अगर उसको चला ही दोगे, फ्लो में ले आओगे, तो फिर सरफेस टेंशन कहां से आएगी, फिर नहीं आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, पहला पॉइंट। तो ये सारी गेम किसकी है, फोर्स ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन की है, इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की है। तो इसको और स्टडी करने के लिए
हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या इसकी वैल्यू क्या होती है सरफेस टेंशन की, ये हम देख लेते हैं। मान लो एक लिक्विड की सरफेस है, जैसा कि ये आपके बुकलेट में बना हुआ है। ये लिक्विड की सरफेस, जो वाटर की सरफेस है, इसके टॉप मोस्ट सरफेस को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप पूरा मत करें, आप इतना पोर्शन ले लें बस, दैट्स इट। टॉप मोस्ट सरफेस को आप थोड़ा सा, आप टॉप मोस्ट सरफेस की थोड़ी सी लेंथ कंसिडर कर लें। जो यहां के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, और यहां के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक, और मैं कौन से मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, जो इस लेंथ के पास पास हैं। मॉलिक्यूल तो और भी लगा रहे हैं, पर मेरा एरिया ऑफ जो स्टडी है वो कितनी लेंथ पे है, वो सिर्फ एल लेंथ के ऊपर है। तो मेरा एरिया ऑफ स्टडी एल लेंथ के ऊपर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मैंने एल लेंथ के मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया। अच्छा, ये बताओ कि इसमें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगेगी, और अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हो, आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो एक लाइन है, और इस लाइन के इस तरफ ये मॉलिक्यूल है, इस तरफ मैं मॉलिक्यूल हूं, हम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इमेजिन करो, एक रस्सी इमेजिन कर लेते हैं, एक रोप है, तो एक रोप है, एक रस्सी है, और ये रस्सी को इधर खींच रहा है, मैं इधर खींच रहा हूं, रस्सी में रस्सी खींच जाएगी, टेंशन आ जाएगी। या मान लो मैंने इसको अट्रैक्ट किया, इसने मेरे को अट्रैक्ट किया, हमने हाथ से इसको एक दूसरे को खींच रहे हैं, हाथ में टेंशन आ जाएगी, तो देयर विल बी अ फोर्स। तो वो जो फोर्स लगेगी, अब जितनी बड़ी लेंथ लेते जाएंगे, जो लेंथ की वैल्यू है वो जितनी बड़ी होगी एल, उसके आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे। लेंथ छोटी होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, लेंथ ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने लेंथ कितनी ली। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इनके बीच में जो भी फोर्स होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कितनी बड़ी आपने लेंथ ली। लेंथ बड़ी होगी, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, लेंथ छोटी होगी, मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो फोर्स भी कम होगी ऑब्वियसली। और साथ में डिपेंड करेगी नेचर के ऊपर, और नेचर का मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल है या मिल्क का मॉलिक्यूल है या किस चीज का मॉलिक्यूल है। तो यहां पर क्या एक टर्म लगती है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ एल। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कि एक मॉलिक्यूल जो मान लो एल लेंथ है, एल लेंथ के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाई और कितनी लेंथ के ऊपर लगाई, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या नाम देंगे, सरफेस टेंशन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। क्योंकि फोर्स तो इन पता नहीं कितनी मॉलिक्यूल्स हैं, कितनी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, पर हमने फोर्स सिर्फ वो लेनी है जो एल लेंथ के बीच में लाई करेगी। तो एल लेंथ के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर जो भी फोर्स लगाएंगे, बस आपने वो फोर्स को उस लेंथ से डिवाइड कर देना है। अगर आप लेंथ बड़ी लेते हो, ये देखो लेंथ बड़ी लेते हो, तो फोर्स भी उतनी ज्यादा हो जाएगी, तो सरफेस टेंशन विल रिमेन सेम। क्या पॉइंट क्लियर है? और अगर मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर नीचे होने लग गए, फ्लो स्टार्ट हो गया, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है इसमें, तो मॉलिक्यूल ये नहीं होएगा, तो कोई ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल चला जाएगा फ्लो करते हुए, तो मैं इसकी फोर्स लगा नहीं पाऊंगा, तो सरफेस टेंशन मेरी क्या हो जाएगी उसमें, जीरो। तो सरफेस टेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, नो डाउट। कहीं और मॉलिक्यूल आएगा, पर पता नहीं वहां पर आए कि ना आए, क्योंकि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल थोड़े लूजली बाउंड होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से आप सरफेस टेंशन कंसिडर नहीं करते उसमें। मॉलिक्यूलर की आपस में इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, दूसरे मॉलिक्यूल की पहले मॉलिक्यूल के ऊपर इक्वल ऑपोजिट होती है। इंटर तो वो होता है ना, जो वाटर का ग्लास के साथ, वाटर के साथ इंटर, इंट्रा नहीं होता, वो उल्टा होता है। फोर्स लेंथ के साथ ऐसे प्रोपोर्शनल है। जब मैंने मान लो ये 2 मीटर लंबी लाइन ली, ये मॉलिक्यूल्स बैठे हैं, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स आ गए,
चारों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जब मैं मान लो 15 मीटर लंबी लाइन लूंगा तो जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं अब वो टोटल फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी होती है इन सभी मॉलिक्यूल्स की। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नहीं नहीं इमेजिन करना है तो होती लेंथ के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड अभी दिखाऊंगा मैं। तो इसमें ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, और क्यों होती है अभी अब एक्सपेरिमेंट भी करेंगे इसमें आपको दिखाऊंगा अभी लेंथ के प्रोपोर्शनल कैसे होती है। तो सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी विद अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपनी सरफेस को छोटा करने की कोशिश करती है। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं तो पास आते हैं, पास आने का मतलब सरफेस एरिया को मिनिमाइज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कोई लिक्विड ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी शो करता है, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में क्या फोर्स है। तो कोई लिक्विड ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी शो करता है तो हम बोलते हैं उसमें सर्फेस टेंशन बहुत ज्यादा है, कोई मॉलिक्यूल ये प्रॉपर्टी बहुत कम शो करते हैं हम बोलते हैं सरफेस टेंशन उसमें कम है, और कोई करता ही नहीं तो इसका मतलब है कि उसमें सरफेस टेंशन है ही नहीं। ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट इसके अंदर मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला, सरफेस टेंशन का सिंबल या तो टी लिखे, सरफेस टेंशन का सिंबल या तो एस लिखें या फिर सिग्मा लिखें, तीनों के तीनों सिंबल जो है सरफेस टेंशन के ही हैं। ठीक है तक। तो तीनों सिंबल में से कोई बुक ये यूज करेगी, कोई ये करेगी, कोई ये करेगी, जो भी करेगा आपको समझ में आ जाएगा कि सरफेस टेंशन है, और जिसका फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ है। नेक्स्ट है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एल, फोर्स इज सम कॉन्स्टेंट इन टू एल, कॉन्स्टेंट नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है जिसको सिग्मा या सरफेस टेंशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, इसमें ये जो मैंने एग्जांपल करवाया इसी को किस तरीके से अलग अलग बुक्स ने एक्सप्लेन किया, और ये जो मैंने हैंड रिटन शीट बनाई है ये बेसिकली कि पेज नंबर कौन सा है बुकलेट का, 10, पेज नंबर 10, नहीं 10 नहीं होगा, 14, पेज नंबर 14। तो जो लोग एचसीवी पढ़ेंगे उसकी इंट्रोडक्शन यहां से स्टार्ट है, तो मैं साथ साथ वो भी साथ साथ बुक्स में क्या लिखा हुआ बताता जाऊंगा। उसमें इंट्रोडक्शन इस तरीके से स्टार्ट करता है कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इनसाइड द बल्क, बल्क का मतलब जो लिक्विड या मैटर है, तो मॉलिक्यूल इनसाइड अ बल्क एक्सपीरियंसेस फोर्सेस फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑल साइड्स। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल सराउंडिंग मॉलिक्यूल से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बट अ मॉलिक्यूल एट द सरफेस इंटरैक्ट्स विद एयर मॉलिक्यूल फ्रॉम अबव एंड वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम बिलो। तो जो यहां का मॉलिक्यूल है वो नीचे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो रहा है और ऊपर एयर के मॉलिक्यूल के साथ। तो दिस एसिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन। तो ये कम ज्यादा फोर्स का जो खेल है ये रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन के लिए। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, सरफेस मीन, जब मैं बोलता हूं सरफेस तो सरफेस में कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, सरफेस के अंदर कितने मॉलिक्यूल देने हैं, 10 से 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर्स लेने हैं। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल का डायमीटर डी है तो ऐसे 10 या 15 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे करोगे तो 10D या 15D जो भी होगा। बस ये मान लो लिक्विड की सरफेस है, तो लिक्विड की सरफेस में जो सरफेस ये वाली आएगी जिसमें 10-15 मॉलिक्यूल्स आएंगे, यही सिर्फ वाटर की टॉप मोस्ट सरफेस मानी जाती है। तो वाटर की सरफेस में एक मॉलिक्यूल थोड़ा ना होगा, वाटर की सरफेस में तो कई, क्योंकि काफी दूर दूर तक स्प्लिट होते हैं, डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, 10 से 15 मॉलिक्यूल की सरफेस को वाटर की सरफेस बोलते हैं। तो कहने का मतलब वाटर की सरफेस में वो बता रहा है कि 10 से 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर्स अगर आप लोगे तो वाटर की सरफेस कहलाती है। सर ये उसने अप्रोक्सीमेटली कहा, उसने ये नहीं कहा कि 10 ही लेनी है, 15 लेनी है, 17 भी हो सकती है, 11 भी, कुछ भी हो सकता है, जैसे एक अंदाजा है।
ठीक, तो ये भी टॉप लेयर थिन शीट की तरह मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, वो थिन लेयर की तरह काम करेगी अगर सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब वो कह रहे इमेजिन करो एक लिक्विड की टॉप मोस्ट सरफेस है और इसमें आपने डिवाइड कर लिया इसे या इसका एक पोर्शन ले लिया सच दैट ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इमेजिन अ लाइन ए बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लाइन डिवाइड सरफेस इनटू टू पार्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इट इज फाउंड दैट द टू पार्ट्स ऑफ सरफेस पुल ईच अदर विद अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी, तो जो फोर्स है वो लेंथ ए बी के प्रोपोर्शनल है। एंड सरफेस ऑफ लिक्विड एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, तो जो सरफेस है वो रबर शीट की तरह काम करती है। सो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि आप एक काम करो, एक रिंग लो, एक रिंग जो छोटे बच्चे जो बबल्स फलते हैं ना, एक रिंग लेके डुबो के एक वो आ जाती है सोप की फिल्म आ जाती है एक रिंग के ऊपर, फिर एयर ब्लो करते हैं उसमें बबल्स निकलते हैं। तो इसके अंदर जो फिल्म आ चुकी है, ये मान लो एक फिल्म आ चुकी है इस पर कुछ इस तरीके से, मान लो ये रिंग है, ये रिंग है, इस पर सोप की फिल्म आपने बना दी, ठीक हो गया। ये बर्स्ट भी हो सकती है, पर अगर बर्स्ट हो गया तो फिर हमारा तो चैप्टर ही क्लोज हो जाता है क्योंकि हमने बर्स्ट नहीं होने देना इसे। तो इसमें एक सोप की फिल्म है, तो आपने एक गीला करके एक थ्रेड, गीला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हाथ लगाओगे तो बर्स्ट होने का चांस है, क्योंकि चिपक जाते हैं पानी के मॉलिक्यूल हाथ पर चिपकते हैं तो ये बर्स्ट हो सकते हैं, दूर भागेंगे इनसे। तो वैसे अगर आप एक जो है ड्राई थ्रेड इस पर रख दोगे तो अगेन वो सॉलिड है तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, बर्स्ट होने का चांस है। तो आपको वेट करके रखो क्योंकि पहले से पानी के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये भी सोप भी किससे बना हुआ है, पानी के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो आपने इसके ऊपर एक रैंडमली गीला करके एक थ्रेड रख दिया, ठीक है, इसके ऊपर, और हो सकता है जब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करो तो बर्स्ट भी हो सकता है। जैसे भी रखा वो मत सोचो प्लीज प्रैक्टिकल कि वो ऐसे रखा या ऐसे गिरा, किसी भी तरीके से आपने इसको एक रैंडम आपने क्लोज्ड थ्रेड रखा, ओपन नहीं, बंद होना चाहिए हर तरफ से, ठीक, राउंड होना चाहिए, तो थ्रेड रख दिया आपने। अब आपने क्या किया कि मैं फिर कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट करोगे बर्स्ट हो सकता है, पर मान लो ये बर्स्ट नहीं हुआ। अब सपोज करो आपने क्या किया, पिन लेके इस सरफेस को प्रिक कर दिया, होल कर दिया, होल करते ये वाला जो पोर्शन है इसमें सोप फिल्म चली गई, लेकिन अभी इसमें अभी बाकी है, तो ये वाला पोर्शन है इसमें अभी बनी रहेगी, लेट अस सपोज बनी हुई है, ठीक, ऐसा हो सकता है, सोप फिल्म अंदर से मॉलिक्यूल्स जो है बर्स्ट हो जाते हैं, बाहर से बच सकते हैं इसमें, ठीक। तो मान लो ये बच गई, अब थोड़ी देर में देखेंगे इसकी जो शेप है, इसकी शेप कैसी हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी, और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं जहां सोप फिल्म थी, ये जो एरिया है ये मिनिमम से मिनिमम करने की कोशिश करेगा अपने आप को, क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मॉलिक्यूल्स अपने एरिया को मिनिमाइज करते हैं, खींचते हैं, खींचने से अपना एरिया कम से कम करते हैं, पास आ जाते हैं ऐसे बोल लो। तो जब एरिया मिनिमाइज करेंगे तो ये वाला एरिया काफी ज्यादा था पहले और ये एरिया कम हो जाएगा और थ्रेड को हर तरफ से मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा और ये थोड़ी देर में आप सिमेट्री देखेंगे और ये सर्कुलर इन शेप आ जाएगा, जो प्रैक्टिकली प्रूव करता है कि देयर इज अ प्रॉपर्टी नोन एज सरफेस टेंशन, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है, इसको कुछ ना होता, सरफेस टेंशन की वजह से इसका मतलब मूवमेंट हुई, इसका मतलब, और मूवमेंट भी कैसी हुई, शेप ऐसी बन गई, और ऐसी शेप का मतलब है कि जो एरिया, जो बीच वाला एरिया काफी बड़ा हो गया, ये वाला एरिया काफी छोटा हो जाएगा, इसका मतलब सरफेस टेंशन एरिया को हमेशा मिनिमाइज करने की ही कोशिश करेगी, यही इसकी प्रॉपर्टी है। एक और एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि आपके पास एक ये लोहे का फ्रेम है, ये मूवेबल नहीं है, इसके ऊपर आपने एक स्लाइडर लगा दिया, एक फ्रिक्शनलेस स्लाइडर है, फ्रिक्शन नहीं है, ये मूव कर सकते हैं ये रॉड, सच दैट आपने इसको सोप फिल्म में डुबो दिया, अगेन या सोप की फिल्म आ गई, ये लो, थोड़ी देर में आप देखोगे ये स्लाइडर यहां से हट के यहां पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगेन सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन की वजह से ये जो लिक्विड है ये अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा, पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल, एक दूसरे को खींचेंगे। अब इससे क्या होगा, ये जो पोर्शन है ये तो मूव नहीं कर सकता, रॉड मूव कर सकती है, तो रॉड अंदर की तरफ आप देखेंगे मूव करती हुई, जो फिर से शो करता है ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कि सरफेस टेंशन जो होती है वो एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी।
रॉड पे ये वाले मॉलिक्यूल जो इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, ये वाले ऐसा है ना, ये वाले मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, तो उस चक्कर में रॉड के साथ अट्रैक्टेड है ये, तो रॉड साथ आ जाएगी, हाँ मॉलिक्यूल और रॉड की, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को, वाटर का मॉलिक्यूल वाटर को खींच रहा है, पर वो जो लास्ट मॉलिक्यूल है वो रॉड से चिपका हुआ है, तो वो उसको भी खींच देगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ये शो करती हैं कि एरिया मिनिमाइज हो जाता है, मिनिमाइज का मतलब जीरो नहीं होता, थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब ये बिल्कुल वैसे ही इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हो, मैं आप लोगों को ये बोल दूँ कि ठीक है ये पांच सात जो मॉलिक्यूल है टॉप मोस्ट लेयर के जो मेरे कॉन्टैक्ट में थोड़े से पीछे हो जाएं, तो ठीक है वहाँ के बेंचेस थोड़ा रश हो जाएगा, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे होते 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 स्टूडेंट ही खत्म हो गए, तो ऐसे कैसे हो सकता है, स्टूडेंट खत्म नहीं हो सकते, थोड़े ऊपर की सर्फेस पर अफेक्ट आएगा, अंदर की सर्फेस पर नेट फोर्स जीरो है, तभी तो उसने सर्फेस डिफाइन की थी, सर्फेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, अंदर जाके कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। ये प्रैक्टिकल होता है, तो अगर आप चाहो तो इसको आप घर जाके करो, बस बर्स्ट नहीं करना, आप ट्राई कर सकते हो इसे ब्रेक करके, वेव चेंज होएगी उसकी। अब जैसे इसमें इस एक्सपेरिमेंट में यही बताया हुआ है, लूप स्टेज ऑन द फिल्म इन एन इरेगुलर फैशन, बट पिन अ होल इन द फिल्म इनसाइड अ लूप एंड विद अ नीडल, तो नीडल से अगर वो होल बनाओगे तो उसकी जो शेप है वो क्या बन जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल उस बुक में ये बड़ा जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है कि अगर आपके पास एक फिर से फ्रेम है, ये एक स्लाइडर है जो मूव कर सकती है रॉड इसके ऊपर, और यहाँ पर एक सोप की फिल्म आपने बना दी, इसकी भी सोप की फिल्म है, नीचे एक वेट टांग दिया W, तो होगा क्या, जैसी सोप की फिल्म आई थी बहुत हल्का है W, बहुत बड़ा वेट नहीं है, बहुत ही हल्का है, तो क्या हुआ, ये स्लाइडर ऊपर उठने की कोशिश करेगा और कहीं आके रुक जाएगा, ये क्यों ऊपर उठेगा, मान लो इसकी लेंथ L है, क्योंकि इस लिक्विड की क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपने एरिया को मिनिमाइज करती है, कम से कम करती है, तो उस केस में फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन लिक्विड की लेट अस सपोज टी है, सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स कितनी लेंथ के ऊपर, एल, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, टी इंटू कितना, एल, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई इसमें, टी इंटू एल, तो ऊपर की फोर्स की वैल्यू जब नीचे के वेट के इक्वल आ जाएगी, दैट इज टी इंटू एल किसके इक्वल आ जाएगा, वेट के इक्वल आ जाएगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि वेट बताओ कितना होगा इस ब्लॉक का, सरफेस टेंशन गिवन है, लेंथ गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, आप क्या करोगे, एल लेंथ के ऊपर फोर्स लग रही है, लेकिन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टी इंटू एल होगा, तो टी इंटू एल को किसके किससे इक्वल करना है, डब्ल्यू के, तो आप बोलोगे अगर ये ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर आ जाती है तो ये रॉड किस में आ जाएगी, इन इक्विलिब्रियम, ना तो नीचे गिरेगी ना ऊपर गिरेगी, क्योंकि कायदे से इसको नीचे गिरना चाहिए था, क्यों, क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ है, वेट, पर गिर नहीं पा रही क्योंकि इसको किसने रोक के रख लिया, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जो है इसमें जो सरफेस टेंशन के जो यूनिट्स हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर या डाइंस पर सेंटीमीटर, इसके यूनिट्स हैं। एक और बेसिक टर्म है जिसको रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है मैं एक मॉलिक्यूल हूँ और मैं 10 की पावर माइनस 5 मीटर तक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे 10 की पावर माइनस 5 मीटर तक जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे मैं फोर्स लगा सकता हूँ, तो मेरी रेंज कितनी हुई, 10 की पावर माइनस 5 मीटर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो 10 की पावर माइनस 5 मीटर मेरी रेंज हुई और उस रेंज के अंदर जो भी मॉलिक्यूल आएगा उसको मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगा, लेकिन उससे बाहर अगर कोई मॉलिक्यूल जाएगा तो मैं उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये
जो है रेंज का कॉन्सेप्ट है, तो इस डायग्राम से ये पता लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स जीरो है, जस्ट वही एग्जांपल जो मैंने शुरू में स्टार्ट किया था। ये मॉलिक्यूल के ऊपर थोड़ा नीचे है तो एयर थोड़ा कम इम्पैक्ट लगाएगी, ये नीचे है थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगाएगा, इसमें एयर के कॉन्टैक्ट में मॉलिक्यूल आ चुका है तो एयर फोर्स लगाएगी पर पानी जितनी फोर्स नहीं लगा सकती। तो अल्टीमेटली ये सारे मॉलिक्यूल जो एयर और वाटर की फोर्स के बीच में आ चुके हैं वो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। इस ये नीचे नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, पर ये थोड़ा नीचे आएगा, ये ज़्यादा नीचे आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसकी रेंज, पानी की रेंज तो यहीं तक है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? एयर स्टार्ट हो जाती है। ये टॉप के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ ऐसा डायग्राम आप इमेजिन कर सकते हो। तो मतलब जो एयर के कॉन्टैक्ट में मॉलिक्यूल्स आएंगे वो एयर से खींचने की कोशिश करेगी लेकिन पानी से कम फोर्स लगाएगी, तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आएंगे। तो नेट फोर्स इस पे भी नीचे है, नेट फोर्स इस पे भी नीचे है, पर इस पे नेट फोर्स जीरो है। ठीक, अभी हम एग्जांपल करेंगे सरफेस टेंशन का, उसमें ये डिस्कस करेंगे कि एक नीडल डूब जाती है पानी में, पर अगर आप बहुत ध्यान से एक नीडल को पानी की सरफेस के ऊपर रख दो स्टेशनरी, तो वो हो सकता है वहाँ पर रेस्ट पे आ जाए, इसलिए नहीं कि वो फ्लोट कर रही है, अगर प्रोवाइडेड उस सरफेस पे क्या है, सरफेस टेंशन है। तो अगर वहाँ पर सरफेस टेंशन है और मॉलिक्यूल्स पास पास हैं तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस तरीके से स्टे कर जाएगी, रुक जाएगी, लेट जाएगी उसके ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर। पर अगर आप मॉलिक्यूल डिस्प्लेस कर दोगे, और वो भी तब क्योंकि वो थोड़े पास हैं, मेम्ब्रेन की तरह है, आप डिस्टर्ब कर दोगे तो ये नीचे जाके डूब जाएगी। पर ये आर्किमिडीज फॉलो नहीं कर रही, इंसेक्ट वाला रूल ही फॉलो कर रही है जो मैं बता रहा था अभी आपको। ठीक है, यहाँ तक तो ऐसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन के बारे में सोचा जा सकता है। अब इसके अंदर सरफेस फिल्म क्या होती है, एक और डेफिनेशन है। सरफेस फिल्म का मतलब होता है जो एक लिक्विड की सरफेस है, इसकी टॉप मोस्ट सरफेस को फिल्म बोलते हैं। आपको क्यों तो सरफेस भी बोलते थे। जो फिल्म होती है इसकी जो थिकनेस होती है, ये टॉप मोस्ट लेयर को फिल्म बोलते हैं, सरफेस की फिल्म। लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है वो किसके इक्वल होती है? मॉलिक्यूलर रेंज फॉर दैट लिक्विड। मॉलिक्यूलर रेंज समझते हो, जैसे अगर मान लो एक मॉलिक्यूल की जो रेंज है वो 10^-5 है, तो ये जो विड्थ होगी ये 10^-5 मीटर होगी। एग्जांपल ले रहा हूं, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सरफेस की फिल्म बोलते हैं।
सरफेस बड़ी होती है, सरफेस में 10 से 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर्स आते हैं, लेकिन जो टॉप का डायमीटर होगा या टॉप की जो रेंज होगी उसको सिर्फ फिल्म बोलते हैं। तभी तो बोला उसने सरफेस की फिल्म, सरफेस थोड़ी बड़ी होगी, ये पूरी सरफेस है जिसमें 10-15 मॉलिक्यूल्स आएंगे और उसमें जो टॉप की जो रेंज की जितनी विड्थ होगी वो उसकी सरफेस की फिल्म कहलाएगी। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है हमारे इसमें, बस पता होना चाहिए ऐसा डेफिनेशन क्या होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कह नहीं सकता रेंज इससे ज़्यादा क्या ही होगा, रेंज में तो यही होगा ठीक, कम से कम सिंगल तो होगा, ये तो कुछ तो करेगा ही। तो इसमें अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं सरफेस टेंशन के। पहला एग्जाम्पल है हेयर ब्रश या पेंटिंग ब्रश, व्हेन डिप्ड इन वाटर स्प्रेड आउट, बट एज सून एज इट इज टेकन आउट द हेयर क्लिंग टुगेदर। और पेंटिंग ब्रश है तो जब तक पेंटिंग ब्रश पानी में है तब तक उसके जो हेयर है वो दूर दूर हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकालते हो वो चिपक जाते हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा हो जाता है कुछ, तो ऐसा कैसे होता है? जब वो पानी के अंदर है, जब वो लिक्विड के अंदर है, तो जो हेयर है सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी 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 के मॉलिक्यूल्स हैं ये देखो। अब पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स जीरो लगाता है, तो नेट फोर्स जीरो है इसकी, तो हेयर के मॉलिक्यूल आर फ्री टू फ्लोट। लेकिन जैसे आप उन्हें बाहर निकालते हो तो इनसाइड क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स, आउटसाइड क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स। अब एयर के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को तो ज्यादा फोर्स से खींचते नहीं है, पर अंदर के वाटर के मॉलिक्यूल्स को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से ये पास आ गए और ये चिपक गए। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से आप ये इमेजिन कर सकते हो ठीक। तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है इसमें, क्योंकि सरफेस टेंशन कुछ नहीं है, वाटर का वाटर को खींचना और एयर का ना खींचना, तो सरफेस का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना इस सरफेस टेंशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिक्विड इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी आर फाउंड टू बी स्फेरिकल इन शेप। जब बारिश गिरेगी छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरते हैं और उनका वेट अगर बहुत कम है तो उनकी शेप हमेशा स्फेरिकल होगी, पर बड़े ड्रॉप्स ऐसे हो जाते हैं, इनका वेट इनको लंबा कर देता है। लेकिन जो छोटे ड्रॉप्स हैं उसके अंदर वाटर है, वाटर वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एयर उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और ग्रेविटी का अफेक्ट नहीं है, वेटलेसनेस है, तो ऑब्वियसली इनकी शेप क्या निकल के आएगी? स्फीयर निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि एरिया को वो क्या करेंगे? कम से कम, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, तो ड्रॉप की शेप क्या आएगी? स्फीयरिकल आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट है ग्रीस नीडल ऑन पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर इज प्लेस्ड ऑन वाटर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो नीडल है वैसे तो फ्लोट नहीं करती, पर अगर आप उसको एक बिल्कुल स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में वाटर है, आपने क्या किया, ग्रीस नीडल को लिया, उस ग्रीस नीडल को, ग्रीस इसलिए क्योंकि पानी की सरफेस के साथ वो जो है, क्योंकि अगर वाटर है और जो नीडल है वो नीडल गीली हो जाएगी, कहने का मतलब नीडल अट्रैक्ट करती है पानी के पार्टिकल्स को, ग्रीस नहीं करता। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप एक ग्रीस नीडल लोगे ताकि मॉलिक्यूल चिपके ना उसके साथ, और आप उसको अगर स्टेशनरी वाटर पे रख दोगे जहां सरफेस टेंशन है तो वो डूबेगी नहीं, लेकिन अगर आप ज्यादा डिस्टर्ब कर दोगे तो नीचे गिर जाएगी। मैंने अभी एग्जांपल दिया मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, तो मैंने एग्जांपल दिया मेम्ब्रेन कैसी होती है, ऐसी होती है, आप मेम्ब्रेन पे जब वेट डाल दोगे तो मेम्ब्रेन थोड़ी बेंड हो जाएगी, ऐसे क्यों बेंड होगी, क्योंकि आपने इसके ऊपर क्या रख दी, एक नीडल रख दी। तो ये नीडल है, ये मान लो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, आप जब मेम्ब्रेन को दबाओगे, तोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना उसे, हल्का सा नीचे, तो उसकी शेप पहले फ्लैट थी, ऐसी हो के ऐसी हो जाएगी, तो ऐसी कुछ शेप हो जाएगी उसकी, क्योंकि इसके ऊपर नीडल है। अब ये जो मॉलिक्यूल, अब इमेजिन करो एक मॉलिक्यूल एक लाइन में है, लेकिन इमेजिन करो अगर दब गई, ये वाले मॉलिक्यूल दब गए, ये वाले मॉलिक्यूल ऊपर आ गए, तो इनकी फोर्स भी टेढ़ी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल ऐसे खींचे एक दूसरे को, पहले कैसे खींच रहे थे, ऐसे खींच रहे थे, एक मॉलिक्यूल यहाँ एक यहाँ, तो स्ट्रेट लाइन थी, फोर्स ऐसी थी, पर अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल दब गया वेट की वजह से, ये मॉलिक्यूल दबा नहीं, थोड़ा ऊपर रह गया, तो फोर्स टेढ़ी हो जाएगी, ऐसी ये वाली फोर्स भी टेढ़ी हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स होगी मॉलिक्यूल्स की सरफेस टेंशन की वजह से, दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो ऐसे इस तरीके से आएगी मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसका वेट कितना है, डब्ल्यू, तो इसका जब नेट सम आएगा, एफ नेट बाय पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि नीडल रुकी रहे इसके ऊपर, तो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द नीडल।
अगर सरफेस टेंशन की फोर्स वेट ऑफ नीडल को बैलेंस कर गई तो नीडल वहीं रुकी रहेगी, पर अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया मॉलिक्यूल्स को तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन नहीं बनेगी, नेट फोर्स नहीं बनेगी, अब सीधा नीडल पानी में चली जाएगी। तो जब तक सरफेस टेंशन है तब तक आप इमेजिन कर सकते हो, और वो भी सफिशियंट सरफेस टेंशन है कि उसकी नेट फोर्स से बैलेंस कर पाए, अगर कम हुई सरफेस टेंशन तो भी ये डूब जाएगी। तो जैसे एक आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आप नीडल्स को, ये तो नहीं कहेंगे नीडल फ्लोट कर रही है, ब्लॉटिंग पेपर का क्या रोल है इसमें, नीडल को अपने हाथ से रखोगे पानी डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लॉटिंग पेपर पे जाके रख दो, ब्लॉटिंग पेपर धीरे धीरे पानी सोख लेगा, नीचे चला जाएगा इक्विलिब्रियम में, पानी को बिना डिस्टर्ब किए और नीडल अपनी सरफेस पे ऐसी रह जाएगी, कुछ ऐसा एग्जांपल है। हालांकि ब्लॉटिंग पेपर को डिस्कस नहीं करें तो ठीक है, हमारा मेन कंसर्न इसमें नीडल के साथ ही है कि नीडल कैसे टिक सकती है पानी के सरफेस के ऊपर। तो जस्ट एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि ये पता लग रहा है कि सरफेस टेंशन अपना रोल कैसे प्ले करेगी। जैसे मोल्टन मेटल है, आप आयरन है, मोल्टन मेटल है, उसको पिघला लो, गरम गरम है, उसको उसके छींटे छोटे छोटे पानी में डाल दो तो एकदम सूख जाएगा, जब सूखेगा तो उसके छोटे 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 स्फेयर्स बन जाएंगे। क्यों? कोई रेन ड्रॉप्स वाला सेम एग्जाम्पल, बड़ा मोल्टन होगा तो शेप एक्वायर कर लेगा, छोटा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन मोल्टन मेटल के मॉलिक्यूल्स की फोर्स ज़्यादा बड़ी होगी एज कम्पेयर टू वाटर, तो उसकी शेप छोटी छोटी क्या बन जाएगी, बॉल्स की तरह बन जाएगी। दिस इज अगेन ड्यू टू सरफेस टेंशन, लेकिन ऐसा तभी होगा जब पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज में होंगे, बड़े साइज में नहीं। तो आपको एग्जांपल्स समझ में आ रहे हैं सरफेस टेंशन के, ये मैंने बता दिया सोप फिल्म वाला, ब्रेक करो तो शेप इररेगुलर से रेगुलर यानी कि सर्कुलर हो जाती है। मरकरी के ड्रॉप्स हैं, थर्मोमीटर ब्रेक किया हो तो उसमें मरकरी निकलती है, मरकरी के जितने छोटे ड्रॉप्स होंगे वो गोल होंगे, स्फीयर होंगे, जितना बड़ा साइज होगा, जो बड़ा साइज होगा उसकी शेप इस तरीके से होगी क्योंकि इसके वेट की वजह से वो थोड़ा नीचे दब जाएगा। दिस इज अगेन ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्यों? क्योंकि मरकरी को अपनी तरफ बहुत तेज फोर्स से खींचती है, पानी नहीं खींचता, पानी चिपक जाता है जमीन के साथ, पानी को घेरोगे अगर जमीन पे तो वो जमीन के साथ ही चिपक जाएगा क्योंकि ग्राउंड की फोर्स और पानी की फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होती है, पानी पानी की होती नहीं तो वो चिपक जाए। हमारे हाथ अगर अपने हाथ को पानी में डालेंगे तो हाथ जो है मॉलिक्यूल्स हैं पानी की मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लेगा तो हाथ गीला हो जाएगा। पेंट में डालेंगे, पेंट तो बहुत ही ज़्यादा, पेंट के मॉलिक्यूल की फोर्स तो बहुत ही कम होती है, उसको बनाया ही ऐसा जाता है कि वो ताकि दूर किसी और बॉडी के ऊपर जब लगे तो दूसरी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे खींच लें, तभी तो पेंट हो पाएगा सरफेस पे। अगर वो फोर्स ही कम होगी तो पेंट कहाँ से करोगे, पेंट तो ब्रश में रह जाएगा वापस से। दीवार को पेंट करना है तो आप चाहते हो कि पेंट के मॉलिक्यूल दीवार पे जाके चिपकें, यही चाहते हो ना, तो ठीक है फिर, यानी कि पेंट और वॉल की फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो मरकरी, और मरकरी की फोर्स लेकिन बहुत स्ट्रांग होती है। आप मरकरी लो, मोल्टन मेटल, आप उसको अपना हाथ डालो मरकरी में, बाहर निकाल लो, बिल्कुल सूखा हाथ आएगा, गीली नहीं हो सकती, चिपक ही नहीं सकती मरकरी आपके हाथ पे। अगर आपने उसको देखा भी हो हल्का हल्का टच करके तो भागती है, क्यों? क्योंकि मरकरी की मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो दूर भागती है। तो इस तरीके से सरफेस एक्वायर कर लेती है, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, स्फेरिकल शेप होना, और ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, सरफेस टेंशन के हैं। और सरफेस टेंशन ये बोलती है कि कोई भी लिक्विड अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सरफेस टेंशन का। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हमने करना है, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हैंड रिटन देखना कहां पे, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे ऐसा डायग्राम बना हुआ है। मैं समझा देता हूं ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और ये डायग्राम्स कैसे शो करते हैं। कई लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो शेप है ट्यूब के अंदर वो फ्लैट होती है, सीधे होते हैं, पर ज़्यादातर ऐसे नहीं होते। ज़्यादातर जो लिक्विड है उनकी शेप ऐसी होती है, और कई लिक्विड मरकरी जैसे लिक्विड है जिनकी शेप ऐसी होती है, चिपकते नहीं ना, मरकरी चिपकती है तो वॉल से चिपक नहीं पाती,
पानी चिपकता है तभी तो वॉल तक जा रहा है और बीच में कम हो रहा है। तो इस शेप को हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो इसका मेनिस्कस फ्लैट है, इसका इस तरीके से कर्व्ड है, इसका इस तरीके से कर्व्ड है, ठीक। तो मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा कि कर्व क्यों होता है, एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा और एक मैथमेटिकल समझाऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा। सिंपल तरीके से बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। लेट अस सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, जो भी डायग्राम हमने देखा भी था अभी, ये वाला, ये लिक्विड है। इसके अंदर लेट अस सपोज आपने कंटेनर के इस तरफ के मॉलिक्यूल को कंसिडर किया, मान लो ये मॉलिक्यूल है कोने का, कोने वाला। इस कोने के मॉलिक्यूल को वाटर के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये लो, बहुत सारे मॉलिक्यूल से खींचेंगे। इसकी जो नेट फोर्स आएगी, लेट अस सपोज इस तरफ आ गई, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक। पानी का मॉलिक्यूल जो वहां ग्लास के साथ लगा हुआ है उसको बाकी पानी के मॉलिक्यूल खींचेंगे, तो नेट फोर्स मान लो इस तरफ आ गई। इस पानी के मॉलिक्यूल को ग्लास का मॉलिक्यूल, अंदर ग्लास का मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा, जिसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडहेशन बोलते हैं। तो ग्लास का मॉलिक्यूल चाहता है कि पानी का मॉलिक्यूल जो है वो उसकी तरफ आ जाए, और पानी के चाहते हैं कि वो मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आ जाए। दिस फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू पार्ट्स। एक इसका कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल इसका, और एक क्या आएगा इसका, वर्टिकल, ठीक। अब देखो जो मेन कॉम्पिटिशन है वो इसके और इसके बीच में होने वाला है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल फोर्स चाहती है पानी का मॉलिक्यूल थोड़ा नीचे जाए, नीचे जाए, इसको बाद में डिस्कस करते, पर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, उतनी ज़्यादा जा नहीं पाएगी। क्यों? नीचे जगह ही नहीं, पहले लिक्विड है वहाँ, तो लिक्विड लिक्विड के अंदर कैसे जाएगा। अब होगा क्या, या तो ये वाली फोर्स इससे बड़ी होगी या ये वाली फोर्स इससे बड़ी होगी। मान लो एक मिनट के लिए एडहेजन की फोर्स इससे बड़ी है, ग्लास की फोर्स ज़्यादा बड़ी लग गई, जैसे 10 न्यूटन या 2 न्यूटन। अब पानी का मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, ग्लास के अंदर। अब इमेजिन करो ये एक वॉल है सामने, इस वॉल पे यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है, जगह है नहीं, और ग्लास का मॉलिक्यूल खींचता जा रहा है, तो क्या होगा, जगह नहीं होगी तो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ये रहा। अगर जगह है नहीं और फोर्स इस तरफ ज़्यादा लग रही है, तो ये पानी का जो मॉलिक्यूल है उसको जाना तो है, फोर्स तो लगेगी, तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो जितने भी कंटेनर के साथ के मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पर सरफेस आप कुछ ऐसी देखोगे लिक्विड की, तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो बेसिक रीजन इसका यही है कि ग्लास की जो फोर्स है बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ वाटर, वाटर फोर्स, जो पानी पानी की फोर्स है वो कम पड़ जाती है, और ग्लास की फोर्स ज्यादा पड़ जाती है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। निष्कर्ष कैसे बनते हैं, इसका मतलब कि ग्लास जो है वो बहुत तेजी से इसको खींच रहा है, और जिस वजह से ये इसको जगह तो मिल नहीं रही, तो ये ऊपर ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। और कंटेनर ऐसा होगा, लिक्विड ऐसा होगा, वो डिपेंड करेगा उनके बीच में कितनी फोर्स होगी, तो स्ट्रांग फोर्स लगाएगा तो मेनिस्कस बहुत ज्यादा शार्प बन जाएगा, पर मेनिस्कस बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर कंटेनर ऐसा है ना, तो मेनिस्कस साइड पे ऐसा बनेगा कंटेनर के साथ, बीच में कुछ नहीं होगा, बीच में फ्लैट रहेगा, बीच में थोड़ा ना ग्लास है, ग्लास तो कॉर्नर्स पे है ना, कंटेनर तो कॉर्नर को, तो कॉर्नर कॉर्नर पे पानी ऊपर चढ़ जाएगा, बीच में ऐसे रहेगा, ऐसे कंटेनर में फिर ऐसे, या ऐसे कंटेनर में ऐसे, कंटेनर तो गोल है ना, स्फेरिकल, ठीक। तो स्फेरिकल में कॉर्नर से मेनिस्कस ऊपर चढ़ जाएगा पानी, बीच में फ्लैट है, ठीक, इमेजिन कर पा रहे हो इसे। और उल्टा भी तो हो सकता है, अगर ये फोर्स उससे बड़ी हो गई, अब बड़ी हो गई तो मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, जब इधर आएगा तो डायग्राम कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को खींचना स्टार्ट कर देगा, ग्लास खींच नहीं पाएगा, तो मेनिस्कस इस शेप में आ जाएगा। स्पेशली मरकरी, मरकरी की फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है,
जिस वजह से मरकरी एक दूसरे पे चिपकती बहुत है, तो कंटेनर पे चिपकती नहीं है। मरकरी खाली कर दो, कंटेनर गीला ही नहीं मिलेगा आपको, ऐसे निकलाएगा। पूरी मरकरी दूसरी मरकरी को खींच लेगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट, इसके अंदर सपोज करो जैसे ये कंटेनर है और ये आपने मेनिस्कस ऐसे बनाया इसका साइड से, या फिर आपने ऐसे बना दिया साइड से जैसे बना हुआ है। तो अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं इसके ऊपर, टेंजेंट, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस सरफेस के ऊपर। इमेजिन करो एक मेनिस्कस का जो कर्व्ड है पोर्शन, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट इस ग्लास के साथ जितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट नाम से ही पता लग रहा है, किसके साथ कॉन्टैक्ट? ग्लास के साथ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। अगर मैं यहां पर ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ग्लास के साथ, ऊपर वाला ग्लास नहीं, लिक्विड के अंदर वाला ग्लास जो है नीचे, इसके साथ ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मरकरी में ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 और किसी और लिक्विड में वाटर जैसे के साथ लेस देन 90। इसको ऐसे याद करते हैं कि जिनमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 होगा उनकी सरफेस ऊपर को जाएगी, यानी कि वो ग्लास के साथ चिपकेंगे। लिक्विड, पानी चिपकता है, ग्लास की फोर्स यानी कि ज्यादा है, तभी लिक्विड ऊपर चढ़ गया और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90। जो लिक्विड दूर भागते हैं ग्लास से मरकरी जैसे और चिपकते नहीं, उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 होता है। पर बनता कैसे है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? क्लियर है यहां तक कि कैसे बनाना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है यहां तक? अब डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट डिफरेंट मेनिस्कस है, डिफरेंट डिफरेंट उनकी फोर्स है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वेरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का, जो कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन होगा, नहीं तो आप कैसे निकाल लोगे? फोर्सेस से आप निकाल नहीं पाओगे। अब जो लिक्विड सॉलिड से चिपकता है, जैसे वाटर है, वाटर को अपने ग्राउंड पे घेरा और वो फैल जाता है। मरकरी को घेरोगे ना तो वो चिपकेगी नहीं ग्राउंड से, मरकरी मरकरी को चिपक के एक स्फीयर बना लेगी, ऊपर आ जाएगी, पर ग्राउंड से
दुर्भाग्य की। ठीक, तो अगर पानी का ड्रॉप गिरा और वो इस तरीके से फैल गया, ये शेप एक्वायर कर गया। अब इसमें अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आप देखोगे ये एंगल जो होगा वो लेस देन 90 होगा। लेकिन अगर यही डायग्राम, और इसका मतलब ये वाटर है और वाटर के अंदर क्या होगा, वाटर के अंदर वाटर चिपकता है, इट विल वेट द सरफेस, इसको वेटिंग ऑफ सरफेस बोलते हैं, गीला करेगा सरफेस को। तो गीला वो करेगा जो चिपकेगा, और जो जितना चिपकेगा उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उतना ही छोटा होगा। लेकिन अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, जैसे ये रहा मरकरी, मरकरी को गिरा तो ग्राउंड से चिपकेगी नहीं, मरकरी मरकरी बना लेगी ऊपर की तरफ, चिपक ऊपर की तरफ रहेगी, नीचे नहीं आएगी। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो लिक्विड में बनेगा ग्रेटर देन 90। तो जो कि मैंने यहां से बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 है तो वो सरफेस को, ग्लास को वेट नहीं करेगा, लेकिन जिसका लेस देन 90 है वो ग्लास को वेट करेगा, वो गीला कर देगा। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये तो अपने अपने नेचर ऑफ लिक्विड है, जिसकी जो नेचर होगी वो वेट करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक, चलो ठीक। नेक्स्ट, वेटिंग ऑफ सरफेस क्लियर है मेरे ख्याल से, ये क्लियर है। शेप ऑफ मेनिस्कस इन अ नैरो ट्यूब, तो एक नैरो ट्यूब है, ये ट्यूब काफ़ी बड़ी बनी हुई है, इनलार्ज किया हुआ है, ये बहुत पतली है। पतली ट्यूब के अंदर जैसे ये वाटर है, इसके अंदर मेनिस्कस ऐसा होगा सच दैट यू ड्रॉ टेंजेंट, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, और मरकरी के अंदर यू ड्रॉ टेंजेंट, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो मैंने अपने एग्जाम्पल से आपको समझाया। अब मैं ये एग्जाम्पल देने जा रहा हूं कि कैपिलरी ट्यूब में मेनिस्कस ज्यादा दिखता है बना हुआ फ्लैट बक, जो आप कोई कोई भी बाल्टी लोगे या कोई भी टब लोगे उसके अंदर नहीं दिखता, कॉर्नर में बहुत हल्का दिखता है, वो भी हिलता रहता है तो देख नहीं पाते हम लोग। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब मेनिस्कस बनता है तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर मेनिस्कस क्लियर दिखता है वाटर का, लेकिन बड़े बड़ी ट्यूब्स में ऐसा बनता है। क्यों? कैपिलरी ट्यूब होती है बहुत पतली, बहुत ही पतली, जिस वजह से यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते ही बड़े कम है, एंड इट इज सराउंडेड बाय ग्लास, बीच में पानी है, तो हर कोई ग्लास का पार्टिकल उन बचे जो थोड़े पानी के मॉलिक्यूल्स उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे ही तो अट्रैक्ट हो गए ऑलमोस्ट, तो इसलिए सारे ग्लास की तरफ चले गए, तो बीच में तो बहुत कम बच गए, तो इसलिए मेनिस्कस ज्यादा दिखेगा।
पर यहां पर ग्लास बहुत दूर है इस मॉलिक्यूल से, तो ये तो फ्लैट ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, कॉर्नर जो है वो ऊपर चढ़ जाएंगे और ये फ्लैट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको छोटा कर दूं, पास 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 छोटा 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 करता जाऊं, तो ये वाला पोर्शन इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये ऐसी रखो। लेकिन ये वाला पोर्शन अगर बहुत पास ले आऊं तो मर्ज हो गया, तो मैंने इसका ज्यादा दिखेगा आपको, फ्लैट कम दिखेगा। तो फ्लैट तब दिखता है जब सरफेस बीच, जब आपका साइज जो कैपिलरी का काफी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ऐसे मरकरी के अंदर है, मरकरी में मेनिस्कस उल्टा बनता है ऊपर की तरफ, इसमें नीचे बनता है। तो मेरे को समझ में आ रहा है यहां तक मेनिस्कस कैसे बनते हैं? ठीक वो पूछ रहे हैं कि ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गया कि ये जो ये वाटर है, ये मरकरी है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड। जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर मैंने शायद लिखा भी होगा कहीं जरूर, हाँ, फॉर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो 0 और 180 के बीच में होता है, प्योर वाटर और ग्लास में 0 होता है, एंड प्योर वाटर एंड ग्लास 0 का समझते हो, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा चिपक जाता है प्योर वाटर, तो जिस वजह से ये मेनिस्कस कुछ ऐसा हो जाता है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ही आता है। ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास में 8 डिग्री होता है, तो थोड़ा बहुत मेनिस्कस दिखता है, जो हम लैब में काम करते हैं तो मेनिस्कस दिखता है आपको उसमें, ऑर्डिनरी वाटर है। और सिल्वर और ग्लास में 90 समझते हो, 90 का मतलब ये रहा 90 मीन्स कि एंगल कितना है, 90 का मतलब यू ड्रॉ टेंजेंट, तो यानी कि एकदम फ्लैट है, फ्लैट है, तो एडहेजन और कोहेजन की फोर्स एकदम बराबर बराबर है ना, जितनी फोर्स ग्लास लगाएगी उतनी फोर्स हॉरिजॉन्टल मॉलिक्यूल्स लगाएंगे। तो यहां तक क्लियर है, पहले कैपिलरी, इसको पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट जो मुझे पॉइंट बताना है इसमें, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। बुकलेट का पेज नंबर 3, ठीक। देखो पेज नंबर 3 में सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट के अंदर, सर्फ कोई भी, देखो फिजिक्स के अंदर कोई भी चैप्टर कर लो, पहले वो फोर्स से समझाएगा, फिर वो एनर्जी से समझाएगा, एनर्जी या वर्क डन से समझाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट फोर्स का चलता है, दूसरा एनर्जी का, फोर्स एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ग्रेविटी करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक करेंगे मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, बस सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं। ऐसी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन एक बार फोर्स से एक बार एनर्जी से। तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा ऐसे। सपोज आपने एक रिंग लिया और वो एक्सपेरिमेंट लेना जो बच्चे बबल्स फुलाते हैं, तो आपने रिंग को बबल में डाल दिया और उसमें सोप फिल्म आ गई। आप क्या चाहते हो, एक पाइप लगी हुई है, उस पाइप से आप एयर ब्लो करोगे और बबल का साइज बढ़ता जाएगा। मान लो एक ऐसी ट्यूब है जिसमें एक बबल है, एक बबल फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो आप इस बबल को बड़ा करने में क्या कर रहे हैं, वर्क डन। आप वर्क डन कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे हाथ से फोर्स नहीं लगा रहे, आप अपने एयर ब्लो करके फोर्स लगा रहे हैं, तो लेकिन आप वर्क डन जरूर कर रहे हैं इसमें। और वर्क डन किसमें कर रहे हैं,
आप वर्क डन कर रहे हो इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बबल. तो इसमें एरिया से मेजरमेंट होती है. नॉर्मली हम डिस्प्लेसमेंट से लेते हैं, इसमें एरिया से हम कैलकुलेट करेंगे. क्या किया मैंने इसके अंदर, मैंने वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में मैं वर्क डन कर रहा हूं, और डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो कितना वर्क डन किया आपने एरिया को बढ़ाने में, डिवाइडेड बाय आपने कितना एरिया बढ़ा दिया. तो दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट एरिया. इसकी रेशियो को भी क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन. ये भी सरफेस टेंशन है. तो अगर तो सरफेस टेंशन को फोर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ. लेकिन अगर अगर आप वर्क डन की फॉर्म में करना चाहते हो, तो वर्क डन पर यूनिट एरिया. दोनों की रेशियो विल बी इक्वल टू लिक्विड की सरफेस टेंशन. ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का मैग्नीट्यूड आर सेम, यूनिट भी सेम, डेफिनेशन में फर्क है. तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल के साथ और समझाता हूं कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता कैसे है. एक्चुअल में प्रैक्टिकल समझाता हूं कि प्रैक्टिकली कैसे एनर्जी लगानी है आपने. पहले डेफिनेशन समझ में आ गई यहां तक? तो दो डेफिनेशन याद रखोगे कि सरफेस टी की, बस फर्क यह है कि जब एनर्जी पढ़ते हैं इसको सरफेस एनर्जी बोल देते हैं, जब टेंशन फोर्स लगाते हैं सरफेस टेंशन बोल देते हैं. तो मतलब सरफेस, देखो सरफेस की ऐसे बोलना चाहिए, सरफेस की फोर्स, सरफेस की एनर्जी. तो सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस की फोर्स. और वो क्या है? सरफेस की एनर्जी. सरफेस की फोर्स का नाम फोर्स को रिप्लेस किया टेंशन से, सरफेस की टेंशन, सरफेस की एनर्जी. तो बात एक ही है. ठीक समझ में आ रहा है कि नाम कैसे रखे जा रहे हैं? सरफेस की फोर्स सरफेस टेंशन, सरफेस की एनर्जी सरफेस एनर्जी. करेगी करेगी. मैं अगला टॉपिक बताऊंगा, एक्सेस प्रेशर आएगा नेक्स्ट टॉपिक में. एरिया कम करने की कोशिश करती है वो, सही कह रहे हैं, आएगा उसको मैथमेटिकली अभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद. देखो ठीक कह रहे हैं, वो कह रहा है एक बबल फूल गया और बबल जो है अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा. बबल आप वर्क डन कर रहे हो क्या करने के लिए? आप उसको फुलाने का काम कर रहे हो. तो आप जो वर्क डन करते हो ना, दो ऐसी चीजें हैं जो बबल को दबाने की कोशिश करती हैं. एक सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या करेगी? उसको एरिया को कम चाहती है कि मॉलिक्यूल पास पास जाएं और एरिया कम हो जाए, बबल छोटा हो जाए. तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना, आपको ज्यादा हवा मारनी पड़ेगी ताकि वो बड़ा हो जाए. और दूसरा एक और भी चीज है जो चाहता है कि बबल छोटा हो जाए, और वो क्या? एटमोस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फेयर तो चाहता ही नहीं कि बबल फूले. एटमोस्फेयर तो सारा तो यही चाहता है कि वो दबा दे उसे और बस्ट कर दे, छोटा कर दे. अब अगला टॉपिक में डिस्कस करेंगे ये प्रेशर कैसे एडजस्ट होते हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है.
चलो ब्रेक होगी। सरफेस एनर्जी का एग्जांपल सुनो फिर, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, और इसके ऊपर मेंस के ऊपर, आपके नीट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके कंपटीशन में। मेंस का क्वेश्चन किस टाइप का आता है आपको स्टेटमेंट बताता हूं, लेकिन उसका टाइम नहीं आया, जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तभी करवाऊंगा। उसका लेवल थोड़ा सा ट्रिकी है, एक स्टेप ट्रिकी है। नीट का पेपर फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सीधी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन आएगा, आपके पास एक टैप है, मेंस का एग्जांपल या एडवांस का एग्जांपल दे रहा हूं, एक टैप है, टैप में एक बूंद ड्रॉप एंड में लटका हुआ है। आप देखते हो वो एक बूंद नीचे गिरता नहीं, बस अब गिरा अब गिरा अब गिरा और ये गिर गया। ऐसा होता है ना, वो ड्रॉप बड़ा 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 होता है, फिर डिटैच हो जाता है, पानी रुका नहीं हुआ, बहुत ही हल्के लेवल से पानी आ रहा है, तो ड्रॉप बड़ा बड़ा होके फिर नीचे गिर जाता है, ऐसे होता है। तो मेंस और एडवांस के क्वेश्चन आते हैं कि बताओ जब ड्रॉप बड़ा हो रहा है तो क्या रेडियस होगा जब वो डिटैच हो जाएगा। ठीक, इस लेवल का क्वेश्चन मेंस और एडवांस के अंदर दोनों में कहीं भी आ सकता है। एक छोटा बच्चा रिंग के साथ वो बबल फुला रहा था, एयर ब्लो कर रहा है, साइज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, साइज रेडियस क्या होगा बबल का जब, या तो वो बर्स्ट हो जाए या फिर वो बाहर निकल जाए। डिटैचमेंट पे ज्यादा आता है वैसे, डिटैच हो गया, बहुत क्वेश्चन एडवांस और मेंस में डिटैचमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नीट में क्या आता है और मेंस में भी आ सकता है, ये दोनों में आता है ये, कि सपोज आपके पास एक ड्रॉप है, लेट अस सपोज आपके पास एक ड्रॉप है, बड़ा ड्रॉप है, आपने क्या किया इस बड़े ड्रॉप को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे ड्रॉप्स में, ऐसे कितने ड्रॉप्स में, एन ड्रॉप्स में, एन ड्रॉप्स में ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इसको लिखना चाहो साथ साथ लिख सकते हो प्लीज, कहीं पर भी बुकलेट के अंदर लिख लेना, खाली पेज है एक बीच में, बीच में जगह है आगे को, हाँ पेज नंबर 15 पे जगह है, उस पर लिख लेना छोटा छोटा करके। तो लेट अस सपोज एक ड्रॉप है, आपने एन ड्रॉप्स में इसको ब्रेक कर दिया, तो ये बताओ कि आपको ब्रेक करने में वर्क डन करना पड़ेगा कि ड्रॉप खुद टूट जाएगा। अच्छा, मतलब आप उसके बाद घर जाके ड्रॉप गिरो कॉपी के ऊपर या प्लेट के ऊपर, फिर वेट करना ड्रॉप कब टूटेगा, अपने आप तो नहीं टूटेगा, करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या करोगे, अपने फिंगर से उसे दबाओगे या जोर की ऐसे प्रेस करोगे तो वो उसके छींटे बन जाएंगे, ऐसा ही होगा। तो जब भी एक बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक होगा तो ऐसे केस में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वी हैव टू डू वर्क डन। ठीक, लेकिन अगर छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और अगर मैं उनको बस कॉन्टैक्ट में ले आऊं, बस इनकी इसकी मॉलिक्यूलर रेंज में आऊं, तो हम दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे और बहुत सारे ड्रॉप एक बड़ा ड्रॉप अपने आप बना लेगा, तो मेरे को वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे ड्रॉप्स को इकट्ठा रख दूंगा, बहुत पास रख दूंगा, वो इकट्ठा मिल जाएंगे अपने आप और क्या हो जाएगा, बड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमें वर्क डन करना नहीं पड़ता, जब ड्रॉप बनता है, बड़ा ड्रॉप बनता है, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, उल्टा काम है। मैं रिपीट करता हूं, अगर बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप्स में तोड़ना है तो मान लो मुझे 10 जूल की एनर्जी देनी पड़ी या वर्क डन करना पड़ा, करना पड़ेगा वर्क डन। उल्टा सुन लो फिर, अगर वो ड्रॉप्स मिल गए, मिलेंगे अपने आप, तो मिलके वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करेंगे जिसकी वैल्यू फिर से 10 जूली होगी। तो इसलिए जब बड़े ड्रॉप बनते हैं, जैसे ही बनता है तो बड़ा ड्रॉप ना हिलता है, हल्का सा हिलेगा, मरकरी के ड्रॉप को जोड़ के देखना, वो एकदम हिलेगा, हिलने का मतलब दे एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो वो एनर्जी कैसे बाहर आएगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे, पहला केस है अगर मैंने बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ दिया, तो ये बताओ बड़े ड्रॉप का एरिया कितना है, 4πr², ठीक है, सरफेस एरिया, और इन छोटे ड्रॉप्स का टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4πr² (n). ठीक, तो टोटल एरिया कितना हो गया, n इंटू 4πr², कोई डाउट इसमें? हाँ, रेडियस आर इज कॉन्स्टेंट, छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है। अब क्योंकि बड़ा ड्रॉप छोटों में ब्रेक हुआ तो वॉल्यूम की वैल्यू इनकी एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। पानी के ड्रॉप्स हैं तो अंदर पानी है और लिक्विड है, तो सारा लिक्विड छोटों में ब्रेक हो गया तो आपके पास क्या आ गया, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन रेज टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो यहां से स्मॉल आर एंड कैपिटल आर का रिलेशन तो आप निकाल ही लोगे।
तो जब भी ड्रॉप्स मिलते हैं या टूटते हैं तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम। अच्छा सरफेस एरिया बताओ, क्या ये भी सेम रहेगा? इक्वेट कर दें, सरफेस एरिया भी सेम? नहीं, सरफेस एरिया सेम नहीं होता, वॉल्यूम सेम होता है। सरफेस एरिया में बोलो कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा? राइट वाला बड़ा होगा, बिल्कुल सही। जब आप एन ड्रॉप्स मिलाते हो ना, तो छोटे छोटे ड्रॉप्स का सरफेस एरिया जब ऐड करोगे, वो हमेशा बड़े ड्रॉप के सरफेस एरिया से बड़ा ही आएगा। ये रूल याद रखना, मैथ्स का रूल है, कि तोड़ने के बाद छोटे छोटे ड्रॉप्स का सरफेस एरिया बड़े ड्रॉप से बड़ा बनता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में बड़ा ड्रॉप छोटों में ब्रेक हो रहा है? तो मैं इस केस में सरफेस एरिया को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज। मैंने सरफेस एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बढ़ नहीं गया, ये बड़ा होता है सरफेस एरिया में, छोटा है। तो मैंने वर्क डन किया क्या करने में, ड्रॉप के सरफेस एरिया को बढ़ाने में, इंक्रीज कर दिया। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो मैंने अभी आपको सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन करवाई थी, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में, क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मान लो लिक्विड की सरफेस टेंशन टी है, तो ऐसे केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, टी इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वर्क डन क्या होगा, टी इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वर्क डन विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन टी, और सरफेस एरिया फाइनल कितना है, इतना है, और पहले कितना था, इतना। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन की। तो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे आपको जिसमें यह पूछा जाएगा कि एक ड्रॉप को तोड़ने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा। तो आप क्या करेंगे, टेंशन को, सरफेस टेंशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन जो हमने लिखी वो कैसे काम आ रही है, समझ में आ रहा है कि किन टाइप के न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प करेगी आपको? तो जिसमें आपको एक ड्रॉप को ब्रेक करने का वर्क डन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है? ठीक, देखो ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, अगर सपोज करो केस नंबर टू, मेरे पास छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, मैं एरो चेंज कर रहा हूं, मैंने इन ड्रॉप्स को अब क्या किया, मिला दिया। मिलाने का मतलब सरफेस एरिया पहले ज्यादा था, मैंने सरफेस एरिया क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। फॉर्मूला वही रहेगा। तो ऐसे केस में वर्क डन नहीं बोलेंगे, हमने वर्क डन नहीं किया इसमें, हमने क्या बोला इसमें, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यहां पर क्या आएगा, एनर्जी रिलीज होएगी इस केस में, और यहां इंक्रीज नहीं होगा, यहां पर डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अब वर्कडन थोड़ा आएगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। मैंने बताया क्यों, जब छोटे ड्रॉप बड़े ड्रॉप में मिलेंगे तो अपने आप मिल जाएंगे और एनर्जी को रिलीज कर देंगे। तो यहां से एनर्जी रिलीज्ड की जो वैल्यू आएगी वो यहां पर किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी, ठीक। या फिर एनर्जी रिलीज किसके इक्वल आएगी, डिक्रीज इन सरफेस एरिया देख लें एक बार, पहले एरिया इतना था अब इतना हो गया, तो कम कितना हुआ पहले में से फाइनल को, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वैल्यू सेम ही आएगी इसमें, बस उसमें वर्क डन बोलते हैं, इसमें एनर्जी बोलते हैं, कोई फर्क ही नहीं, उसमें वर्क डन बोलेंगे, इसे एनर्जी बोल देंगे, ठीक। ठीक, तो ये लैंग्वेज समझ में आएगी न्यूमेरिकल्स में कि वो ऐसा क्यों बोलता है, किसी क्वेश्चन में कहेगा एनर्जी रिलीज निकालो, किसी में कहेगा वर्क डन निकालो, तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, समझ में आ रहा है?
ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब आगे इसका क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट पार्ट ये बनता है, एनर्जी रिलीज नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा कि बताओ कितनी वेलोसिटी से बड़ा ड्रॉप अप मूव करेगा, जो भी एनर्जी रिलीज्ड है उसको किसके इक्वल कर देना, हाफ एम वी, वेयर दिस इज मास ऑफ बिग ड्रॉप। तो यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें वेलोसिटी की वी की वैल्यू आएगी। एक स्टेप आगे कर दिया, बट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि किस टाइप के न्यूमेरिकल सरफेस एनर्जी से पूछे जाएंगे आपको इसमें? कोई डाउट है इसमें? ठीक, और एक लास्ट टॉपिक करेंगे फिर उसको क्लोज करते हैं। टॉपिक क्या, दो मिनट का काम है, बस मुझे ये बताना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बस ये फॉर्मूला वेरीफाई करवाना है, जिसके लिए आप अपने असाइनमेंट में ये डायग्राम ओपन कर सकते हैं, ये जो डायग्राम बना हुआ है। ठीक, इस डायग्राम के अंदर सपोज एक सोप की फिल्म है, ये एक अगेन फिक्स्ड जो है फ्रेम है, ये स्लाइड कर सकता है, डायग्राम बनाई हुआ है, रादर एल लेंथ है, सोप की फिल्म आ गई,